नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि संवाद पर। किसान भाइयों, आप आपको छोटी सी जानकारी देने जा रहे हैं कि हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं सब मिर्च का प्लांट लगा हुआ है। अगर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि आपको अपने मिर्च में खरपतवारों को नियंत्रण के लिए एक पतली पॉलीथाइन आती है मार्केट में 0.5 mm की, इससे कम एम एम की, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें हमारे फील्ड पर एक भी खरपतवार नहीं है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप मेड़ बना करके अपने फसलों को लगाने से पहले आप एक मेड़ बनाइए, पट्टी बनाइए, और पट्टी बनाने के बाद उस पर पॉलीथीन बिछाने के बाद तब जाके इस पर आप मिर्च लगाइए। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा, कोई भी निराई उड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने फसलों को साफ सुथरा रख सकते हैं और उसमें उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। दोस्तों, मिर्च की खेती है, हमने आपको पहले दिखाया भी था तो इसमें पट्टी बना रहे थे, तो पट्टी बनाने के बाद हमने मिर्च लगाया है और मिर्च लगाने के बाद पौधा इतना बड़ा हो गया है, देख सकते हैं आप, तो इसमें फल आने लगा है। और ये तो हमने ट्रायल के रूप लगाया, जो बगल में लगा है उसमें तो अभी चौड़ाई होने लगी है और मार्केट में उसका अच्छा खासा दाम भी है, इसमें क्वालिटी भी अच्छी है फ्रूट की। क्या होता है कि जो पट्टी आप बनाते हैं तो पट्टी बनाने से आपकी फसलों में जो आद्र गलन होता है वो नहीं लगता है, आपका जो पौधा होता है कि देखा था बचपन में पौधा गल जाता है। इसमें हमने जितने पौधे लगाए हैं लगभग चल गए हैं, एक आध दो गले हुएंगे क्योंकि पानी ज़्यादा भर गई होगी। बढ़िया है, इसको पट्टी बनाने से बढ़िया सिस्टम है ये है कि पौधा आपका उसमें जो अपने फसलों को पानी दिया है, पानी एक को बर्बाद नहीं होगा, सूर्य के संपर्क में जो आने से वो पानी सूखेगा नहीं, पानी इसमें पानी नहीं जो मॉइस्चर होता है वो अपना स्थिरता बनाए रखता है, तो पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, यही सिस्टम है। आपको यह जानकारी कैसी लगी अपने किसान मित्रों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।